इज रितु हियर। वेल, बारिश के मौसम में हमें और क्या चाहिए, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन वी कैन एवर आस्क फॉर। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही क्रिस्प करारे और बहुत ही यमी पालक के पकौड़े। ये मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो चलिए और मिलके बनाते हैं ये पालक के पकौड़े। यहाँ मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके स्टेम्स को मैं तोड़ ले रही हूँ और पत्तों को अच्छे से बारीक काट ले रही हूँ। अब एक पैन में मैंने यहाँ हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून मोटी सौंफ को सॉटे कर ले रही हूँ और एक मोटर एंड पेसल में इसका कोर्स पाउडर बना ले रही हूँ। इससे हमारे पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तो इसे आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इस चॉप्ड पालक में हम सब कुछ ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं 2 हीप्ड स्पून ऑफ बेसन ले रही हूँ और इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया एंड सौंफ का जो कोर्स पाउडर हमने बनाया था वो ऐड कर लेंगे, एंड 1 टीस्पून वाइट तिल, सॉल्ट टू टेस्ट, एंड फाइनली 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और 1 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इससे पकौड़ों का टेस्ट काफ़ी एनहांस हो जाता है। सो इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इन सब को बहुत अच्छे से कंबाइन कर लेना है। और यहाँ मेरे को बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है, सो मैं 1 टेबलस्पून बेसन और मिक्स कर रही हूँ और इस तरीके की कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर हमारा होना चाहिए। सो नाउ अब हम लोग फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं, विच इज़ फ्राइंग। सो हमारा ऑयल मीडियम टू हाई पे होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो पकौड़े ऑयल सोक कर लेंगे और अगर बहुत हीट अप होगा तो अंदर से क्रिस्प नहीं होंगे। सो ऑयल का राइट टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। और वन मोर टिप इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, सो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि थोड़े से जब ये फ्राई हो जाते हैं तो पकौड़ों को मैं ऊपर ले लेती हूँ, दैट इज़ जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, और उसके बाद फिर मैं ऑयल में ड्रॉप कर देती हूँ, सो दैट ये इस प्रोसेस की वजह से ये काफ़ी अच्छे क्रिस्प बनते हैं। बस अब हमारे पकौड़े बिल्कुल बन के तैयार हैं, बस इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे एंड वोइला, वी आर डन। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय फॉर नाउ।